बाप मरे ते मोहम्मद बख्शा मुख जांदा जे मेला। नौजवानो सैयदना रबी वाला आजम दे गुलामो ईद वाले दिन सारा जमाना नवे कपड़े पाके फिरदा हुंदा, लोग खुशियां मनांदे हुंदे, ते जिन्ना दे मापे टुर गए ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ के ना ते नवे कपड़े पाके ते कब्रस्तान जाके मापे दिया कब्रां ते बैठ के रोंदे हुंदे, उन्होंने ईद वाले दिन भी मापे याद आउंदे, रात नूं सराने चो सिर दे के रोंदे ने ते कहंदे ने कोई उंज बुलावे जिवें अब्बू बुलांदे सन, कोई उंज आवाज देवे जिवें अम्मी आवाज दिंदी सी, कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू प्यार करदे सन, पर टुर जावन ना ते फिर कदर आउंदियां, दुख आ जाए ते याद मापे आउंदे, सुख आ जाए ते याद फिर मापे आउंदे। मैं अक्सर नौजवानों नूं गल सुणा ना, मेरे कोल इक बाबा जी बैठे, कुठियां भी रब ने दित्तियां ते कारां भी दे दित्तियां। पुछा बाबा जी को दिल दी हसरत होवे, कह लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं, रब दा बड़ा करम। मैं देखा ते बाबे दी अखे च मोटे मोटे अथरू, पूछा बाबा जी रोंदे क्यों, कह लगे असी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे मां होवे ना, कदे हुण मां होवे, पता चले जदों चले जावां ना फिर खुशियां भी खुशियां नहीं लगदियां, फिर कोठियां च भी सुकून नहीं मिलता, जदों मापे टुर जांदे ने फिर दिल करदा कोठी च कदे मां होवे कदे अब्बू होण ना, सारा जमाना नजरिया आंदा पर मापे नजरी नहीं आंदे, जिन्ना दे टुर गया अल्लाह उन्हां दीआं कब्रां मुनव्वर करे, पर जिन्ना दे हैं इन्हां दी ते कदर कर दो। अज ते नौजवान नूं मां बुलावे ना ते पुत्तर बोलदे नहीं, कहंदे ने अम्मा चुप कर तैनूं नहीं पता, अद्धी रात वेले पुत्तर घर आवे ते बाप पुछे कित्थों आया, ते कहंदे ने इंज घूरी पा के जो बाप वल वेख छड़दे ने कि बाप अगली रात पुछदा ही नहीं कित्थों आया, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। पर आ मेरी बिल्लत दे नौजवान मैं तेनों दसा इस बाप दी रब दी निगाह च तेनों सूल दी निगाह च कदर की ते शान की है। मेरे ते तुहाडे आका अली सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा नौजवान सुबह उठ के बाप दा चेहरा वेखे ते अब्बू नूं वेख के मुस्कुरा देवे, ए नहीं फरमाया अब्बू दे कदम दबावे, अबू ने सलाम लेके हाल चाल पूछे, अबू जी को खर्चा जेब च डाले नहीं, इत बाद दे मरहले ने नबी पाक ने फरमाया जेड़ा सुबह उठ के ते अपने बाप दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे, सिरा मुस्कुरा देवे, खुश हो जाए बुलवे। उस नौजवान की गल नहीं हो रही जेड़ा चौखा च सारी सारी रात खलो के टिक्के कबाब खावे ते होटलिंग करे, पर जब घर आवे ते अम्मी बुलावे ते मथे त्यूड़ी पा लवे, बाप पर वेख के चेहरे ते गुस्सा आ जाए, भैणा भाइयां नूं छोटियां नूं गालियां देवे, उस नौजवान बिगड़े होए दी भी बात नहीं हो रही, बात उहदी हो रही है जिहदा नौजवान मेरे नबी ने फरमाया सुबह उठ के अबू नूं चेहरा वेख के ते मुस्कुरा देवे, खुश हो जाए अबू नूं वेख के। मेरे आका ने फरमाया कि रब दे नामे अमाल च एक कबूल हाजत दो उमरियां दा सवाब लिख देंदा है, ए साल हाजी हज करके आवणगे ना ते फैसलाबाद लाहौर सियालकोट इस्लामाबाद दे एयरपोर्ट ते खलो के पुछियो हाजी साहब गर्मी च जाके पहाड़ा च दौड़ा लगा के आयो, इतने लखां रुपए लगा के हज करके आयो, अल्लाह कबूल करे, पर उस सर्टिफिकेट ते विखाओ कि जिहड़ा सऊदी अरब वाले दिता है कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल सनद लै जाओ, हाजी साहब कहणगे कोई सनद नहीं कोई सर्टिफिकेट नहीं, हज कर रहे हां रब नूं पता कबूल है कि नहीं, गरंटी कोई नहीं, पता चलिया काबे हज करके आवे ते गरंटी कोई नहीं, पर मेरे नबी फरमाया मुहम्मद तू गरंटी ले ले, गरंटी ले ले फरमाया मुस्तफा तू, फरमाया काबे गया हज हरे कबूल ना होवे, सुबह उठ के अबू नु वेख के मुस्कुराया कर, रब कबूल हज दा सवाब अता करेगा। उधरों आवाज है या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु दो वारी वेखे, मेरे आका ने फरमाया दो हजां दा सवाब, उधरों आवाज है या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नु तीन वारी वेखे, मेरे नबी ने फरमाया तीन हजां दा सवाब, आ
ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅਬੂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾ ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਫਰਮਾ ਰੋਜ਼ ਅਬੂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ 100 ਹਜ ਦੇ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਬਾ ਕਿਬਲਾ ਹਜ ਵੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਬੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਬੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੜੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਰਬੇ ਗੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਅਲ ਤੋਤਾ ਫਿਰਦਾ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਮਾਲੀ ਫਿਰ ਰੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਮਾਲੀ ਇਹ ਰੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂ ਘੁਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀਰ ਮਰਨ ਇਹ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਾਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੈਸ਼ਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ ਬੜੀ ਲੱਛੇ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪੈਣੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ? ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮਤ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਠਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਪ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਬਾਪ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਅੱਬੂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵਰਨਾ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟੁਰੋ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ, ਜਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਕੋਈ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਬੁੱਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਰੂ ਕੁਰਬ ਜਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਾ ਸੁੰਘ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਚੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਮਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਾ ਸੁੰਘ ਸਕੇਗਾ। ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਿਦਾ ਅਰਬ ਫੀ ਰਿਦਾ ਅਲ ਵਾਲਿਦ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਤਿਮਾਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੇਰੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਹੇ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਹੈ ਕੋ ਗਰੰਟੀ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ।
सवेरे उठ के अगर तू चेक करना हो कि आज मेरा रब मेरे से राजी है कि नाराज है, सुबह उठ के अपने बाप का चेहरा वेख, जे अबू राजी है समझे खुदा राजी है। जे बाप नाराज है तो समझ तेरा खुदा तेरे ते नाराज है। मेरी मिल्लत है नौजवानों, कौन है दिबाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अचानक एक नौजवान आया ते नौजवान आके अर्ज करदा, या रसूल अल्लाह मैं एक मुकदमा सुना बनाया, ऐ अदल ते इंसाफ वाले नबी जरा मेरा इंसाफ ते करो। मेरे नबी ने बच्चे वाल वेखे ते नौजवान वाल वेखे, फरमाया बेटा मुकदमा की है, केस की है। उस नौजवान ने नबी करीम अलैहिस्सलाम वल देख के अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं अपने अब्बू की शिकायत करना आया। हुजूर ने हैरत वल देखा, मोहम्मद की अदालत में बाप की शिकायत, बाप की। फिर भी हुजूर ने मुकदमा सुनना सी ना, नबी पाक ने फरमाया बेटा बयान कर। उन्हें अर्ज की, या रसूल अल्लाह ए मदीना ते गबाद करीब मेरा गांव है ते उठे दे रहने वाला ते मैं जदू जद जवान होया ते हुन मेरी शादी होगी, बच्चे भी हो गए, अबू जी मेरे हिण ते वडेरे, मगर शाम नूं जदों मक्का बाई करके ते दिहाड़ी लगा के आवां ते मेरे अबू मेरे पैसे लै लैंदे ते मेरे बाप नूं बुला के मना करो कि मेरे को पैसे ना मंगया करे, मैं भी जवान हां, मेरी आल औलाद है, मेरे बच्चे ने बीवी है, घर बार है, मेरे भी को अखराजात ने, मैं अबू नूं पैसे नहीं दे सकता। हुन अदालत च मुकदमा ते आ गया, फैसला मेरे नबी ने करना। फैसला बाद दे नौजवानों, मेरे नबी ने सहाबा नूं फरमाया कोई है जिहड़ा जानदा होवे कि इस बच्चे दा बाप कौन है ते उहदा पिंड किहड़ा है। एक सहाबी उठ के खलोगे अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह मैं जानदा उस बाबे नूं, फरमाया बुला के लियाओ। मैनूं सच्ची दसो, पड़े बैठे हो ओ जदों उमरे दा टिकट निकले ते जिदा उमरे दा टिकट निकले दा ओहदी हालत वेख दिओ की हुंदी है। रोंदा ना, वो कहंदा मैनूं नबी पाक ने बुला लिया ते सच्ची दस, जिहदे घर दा दरवाजा खड़का के कोई आखे आ तैनूं नबी पाक मदीने पे बुलांदे ने, वो बाबे दा की हाल होया होगा ते दोनों नौजवानों, बाबा टुरिया टुरिया मदीना ते आबादी वादी विच आया ना, आके ते ओ दरवाजे च खड़ो के कह लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बाबे नूं करीब बुला लिया, बाबा करीब आया तो सैयद आलम ने वेख के बाबे नूं फरमाया बाबा ए नौजवान कौन है। तड़प जाओगे सुन के बाबे ने बच्चे वाल वेख्या ते बाबा रो पिया, रो के कहन लगा कमली वाले मेरा पुत्र है, मेरी जान है, ए मेरा पुत्र मेरी जान है। सैयद आलम दी अखां चथलू आ गया ते आपने रो के फरमाया फिर आ जड़ा तेरा पुत्र है ते तेरी जान है ना बाबा, ए तेरी शिकायत मुहम्मद दी बारगाह च लेके आ। बाबे दी अखां च छम छम अथरू आ गए। कई मावां मेरे को शिकायतां बच्चें दी लेके आंदे ना कि आसी साहब मेरे बच्चे नूं समझाओ, ते बच्चे गुस्सा कर दे आसी साहब नूं क्यों दस्सिया, मैनूं समझा ले। यार उस बाबे नूं कितना दुख होया होगा कि मेरे पुत्र ने मेरी शिकायत नबी नूं लगा दी। रो पिया अर्ज करदा यार रसूल अल्लाह मेरे पुत्र ने मेरी की शिकायत की थी। फरमाया बाबा तेरा पुत्र एक कह रहा कि मेरे अबू जी मेरे को पैसे लै लैंदे, मैं नहीं दे सकदा। अज इतनी गुफ्तगू हो रही थी अचानक जिब्रील आ गए थे, अर्ज की या रसूल अल्लाह बाकी गल्लां बाद विच फैसला बाद विच होवेगा। इस बाबे ने ना घरों निकलदियां तुहाडी बारगाह तक आउंदियां आउंदियां कुछ अरबी दे शेर अपने पुत्र दे गम ते दुख विच अपने दिल च पड़े ने।
इस बाबे को वो शेर सुना। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया बाबा सुनिया तो अपने पुत्र दे गामे च को शेर आखे ने ते दरो शेर ते सुना। अरबी लोगां दी आदत सी अज भी आदत है कि ओ फिल बदी कलाम करदे ने शेर ओ शायरी च कलाम करदे। बाबा कहन लगा सुनिया तू वाकई सच्चा नबी है। फरमाया किवें? कहन लगा सुनिया ओ शेर ते अज मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, अज ते मेरे दिल च ने, ते दिलां दीआं जानण वाले तू उहनां शेरां नूं भी जानना। कौन है? दिवाली ने फरमाया बाबा शेर सुना। मैं ते ओ बोलियां जानना जेड़े पत्थर बोलते ने, ओ जेड़े बोलते नहीं जुबान नहीं रखते, मैं ते उन्हां दीआं बोलियां भी समझना। नौजवान बाबे ने शेर अरबी दे पढ़े, नबी करीम सुन के रोई जा रहे। बाबा कहन लगा कमली वालिया जदू मैं जवान होया मेरी शादी हो गई, हर इंसान की तरह मैं भी दुआवां करदा रहा, या अल्लाह मैनूं इक पुत्तर दे दे, अखियां दी ठंडक अता कर दे। आरफे कड़ी फरमांदे ने सिख पुत्रां दी डाडी होंदी, ए सिख पुत्रां दी डाडी होंदी, ते आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां भी मंगे आ, कर कर उजर बहाने। अर्ज करदा कमली वाले आ मैं दुआवां करदा रहा, अल्लाह ने मैनू ये सोना जिहा पुत्तर अदा कर दिता। अर्ज कीती कमली वालिया ए पुत्तर दुनिया ते आया आउंदिया मेरी जान बन गया। अर्ज करदा सोनिया ए हसदा सी मैं हसदा वसा, ए रोंदा सी मैं रोंदा रहा। कमली वालिया कदे नू बुखार हो जाना, इहदे मरण दे खौफ ने मैं जूंदा ही मर जांदा रहा। अर्ज करदा कमली वालिया ए जदू बोलदा सी मैं खुशियां दे नाल पहला पांदा रहा, ए रोंदा मैं दे नाल रोंदा रहा। इन्हें बीमार हो जाना, सारी सारी रात दे सरा ने बह के गुजारदा रहा। अर्ज कीती कमली वालिया जदू इन्हें बोलना शुरू कीता मेरी जान च जाने आई, ए डरदा सी कमली वाले मेरे बेड़े दी रौनक बन गया। अर्ज कीती कमली वालिया ए मर मक्के ते मदीने दे पहाड़ गवाने, इन्हां पहाड़ा च नूं मैं कदियां ते चुके फिरदा रहा। अर्ज कीती सोनिया ए जवान हुंदा गया, इहदे नाल मेरियां सदरां ते उम्मीदां भी जवान हुंदियां गईयां। कमली वालिया ओ वेला भी आ गया, इहदी कमर सिधी हो गई, मेरी कमर झुक गई, इहदे वाल काले हो गए, मेरे वाल चिट्टे हो गए। अर्ज कीती सोनिया दे ते जवानी दी बहार आ गई, मेरे ते बड़े पे दी खिजा आ गई। ओ पुत्तर जिन्हों मैं मुंह दे लुकमे निकाल के खिलांदा रहा, जेड़ा सारी जिंदगी मेरियां कमाइयां ते भरदा रहा, अज ओदी कमाई च मेरे हिस्से मुक गए ने। अर्ज कीती सोनिया ओ मेरा लाडला नबी नूं मेरियां शिकायतां पिया करदा है। बाबे ने रो के अर्ज कीती कमली वालिया मैं दियां तनखावां की करनियां ने, मैं दे पैसे की करने ने। कमली वालिया वडेरा हो गया कमाई नहीं कर सकदा, इहदियां भैणां आउंदियां ने, मेरियां धीआं आउंदियां ने, मेरियां भैणां दियां फुफियां आउंदियां ने। मैं सुनिया मदीने वाला नबी कहिंदा है धीआं ते भैणां फुफियां जाण खाली ना टुरिया जे। अर्ज कीती कमली वालिया इहदियां ते मेरियां भैणां आउंदियां ने, कमाई करन जोगा नहीं, इहदे कोल लै के अपनियां धीआं नूं दे देना, अपनियां भैणां दियां फुफियां नूं दे देना। नबी करीम ने नौजवानों बाबे नूं रोंदियां वेख्या, मेरे आका भी जारो किता रही जा रहे, सहाबा धाड़ा मार के बाबे दी कहानी सुन के रोई जा रहे। नबी करीम बड़े गुस्से ते जला दे नाल उठे, ओ नबी जेड़ा पत्थर मारन वाले नूं दुआवां देंदा, उस नबी ने आके उस नौजवान दा गिरबान पकड़िया, मेरे नबी ने ओहदे सीने ते मुक्का मारिया। फरमाया बाप दियां शिकायतां करन वाले सुन, नबी दी अदालत दा फैसला होई। फरमाया अंता वा मालुकली अबीका, फरमाया जिवें तू अपने बाप दे तेरा माल भी तेरे बाप दा।
सुन मुहम्मद दा फैसला। पलन वाले तू बाप दे खर्चे कढ़ने नहीं, तू तनखा ले आके अबू दी तली ते रख ते अबू जी नूं कह अबू जी आ तनखा है मेरा खर्चा मैनूं दे दे। अबू दे हिस्से ना निकाल, अबू को अपना हिस्सा मंगिया कर, वेखी तेरे बाप ने तेरी तनखा रखनी नहीं, सारी तेनू दे देने, वेखी फिर बरकत। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ।